अमृतसर में दशहरे के मेले में दर्दनाक हादसा, 60 से ज्यादा लोगों को ट्रेन ने कुचला, 50 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल में लाचार। अमृतसर हादसे पर बोले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी, कहा यह ट्रेन हादसा नहीं बल्कि रेल ट्रैक पर अतिक्रमण का मामला है। अमृतसर हादसे के दूसरे दिन पंजाब पहुंचे सीएम अमरिंदर, अस्पताल के बाहर लोगों ने किया विरोध। घायलों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू, कहा मामले पर न हो सियासत, कहीं ना कहीं बढ़ती गई है लापरवाही। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बयान, हादसा दुखद लेकिन राजनीति करना सही नहीं। आजम खान ने अमृतसर ट्रेन हादसे पर जताया दुख, कहा असल वजह पर किया जाए विचार। बिहार के जहानाबाद दशहरा मेला में दिखा ब्लड मैन का कहर, 20 महिलाओं को बनाया निशाना। सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर सीताराम येचुरी का सवाल, सबरीमाला मामले में 3 तलाक जैसे अध्यादेश क्यों नहीं लाती है सरकार। लखनऊ के विधान भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया एनडी तिवारी का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए लगा राजनेताओं का तांता। सीएम योगी से मिलने पहुंचे बीपीईडी डिग्री धारक, पुलिस ने खदेड़ा, किया गया हल्का बल प्रयोग। मेरठ में बीजेपी पार्षद मनीष पवार की दबंगई, होटल में दरोगा पर बरसाए थप्पड़, महिला वकील की भी की पिटाई। गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे बीपीएड अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीएम योगी से मिलने की मांग पर अड़े थे प्रदर्शनकारी। राम मंदिर पर भागवत के बयान के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हमें राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। रामविलास वेदांती का बयान, 6 दिसंबर से राम मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे पर भी बोला हमला। राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत तेज, एएचपी के अयोध्या कूच कार्यक्रम पर रोक, कार्यक्रम करने पर अड़े तोगड़िया। सीतापुर महिला कॉलेज में अवैध शराब बरामद, छापेमारी में 100 पेटी अवैध शराब जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या से शुरू हुई श्रद्धा का सम्मान की मुहिम, मंदिरों में चढ़े फूल से बनेंगे जैविक खाद। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत घनश्यामा का बीजेपी पर वार, कहा निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा होगा साफ। नैनीताल भवाली कैंची धाम में गहरी खाई में गिरी बोलेरो, हादसे में 10 लोग घायल, स्टेयरिंग लॉक होने से हुआ हादसा। रुड़की में एनजीटी के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां, गंग नहर में छोड़ा जा रहा कॉलोनियों का पानी, अधिकारियों ने नहर में गिरने वाले नालों को किया चिन्हित। प्रदेश का एकमात्र लेप्रोसी अस्पताल खंडेर में तब्दील, विभाग और अधिकारियों की लापरवाही, मरीजों को नहीं दी गई कोई सुविधा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अजीत जोगी, गठबंधन के स्टार प्रचारक होने के चलते किया फैसला। तेलंगाना बीजेपी में शामिल हुए स्वामी परिपूर्णानंद, सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है बीजेपी। तेल की कीमतों में 3rd दिन भी राहत, राजधानी में पेट्रोल 38 पैसे हुआ सस्ता। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला कल, मनीष पांडे और खलील अहमद की होगी वापसी।